समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जी, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष योगेश यादव जी, मंच पर उपस्थित विद्रोही धनपति राम मौर्या जी, मुस्ताक अहमद काजमी जी, राम मिलन यादव जी, निधि यादव, रामाकांत बंगाली विश्वकर्मा जी, सुरेश मौर्या जी, प्रकाश चंद त्रिपाठी जी, संजय मौर्या, कमलेश गुप्ता, मोहनलाल प्रजापति, रंजीत बेन मालती यादव, और जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खुर्शीद खां साहब, आतर यादव जी, और बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता जो मंच पर हैं। यहां पर इस सभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं बहने, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, ये जोश देख करके लग रहा है कि इस बार यहां के लोगों ने चुनाव की हवा को समझ लिया है। चुनाव की हवा को यहां के लोग पहले ही समझ चुके हैं। इस बार डबल इंजन की सरकार के यहां की जनता झूठ की पटरी को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। लगता है यहां तो पहले से ही लोग तैयार है सरकार को हटाने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाकिम लाल बिंद को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना, और बगल में ही हमारी दूसरी विधानसभाएं हैं उनमें भी मदद करना, साथ ही साथ पूर्व विधायक अंसार हैं इनकी भी मदद करना, पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण में ही जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन को बहुमत दे दिया है। पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरा चरण और चौथे चरण में ही उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों को बहुमत की सरकार का फैसला सुना दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बार ऐतिहासिक बहुमत की तरफ समाजवादी पार्टी को लेकर के जाएं। मैं प्रयागराज के अपने नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये प्रयागराज के हमारे नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे इनका भाग्य बदलेगा, लेकिन 5 साल इंतजार में कट गए हैं। अब आने वाले 5 साल ये इंतजार नहीं करना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल की बटन दबा करके इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयागराज का ये नया नाम रखा है इलाहाबाद का, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज, लेकिन उतना ही भारतीय जनता पार्टी के बाबा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बदनाम हुआ है।
चाहे वो कुंभ का घोटाला हो, चाहे नौजवानों पर लाठी चली हो, और चाहे यहां के लोगों ने गंगा में बहती हुई लाशों को देखा हो, नाम जरूर बदल दिया लेकिन बदनामी भी उतनी ही सरकार ने कराई है। हमारे प्रयागराज को उतना ही सरकार ने बदनाम किया है। यहां के लोग कैसे भूल सकते हैं कि जिस समय कोरोना आया, बीमारी आई, यहां के मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, हरियाणा से, जो कुछ उनके पास सामान था वो लेकर के आए। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की, उनको अनाज छोड़ दिया। अगर कोई मजदूरों की मदद कर रहा था तो वो समाजवादी लोग थे, उनकी मदद करने का काम कर रहे थे। मदद समाजवादी लोग कर रहे थे, सरकार के लोग तो जनता को अनाज छोड़ करके चले गए। ये सरकार जो चल रही है, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, ये भूल गए कि अभी चुनाव तो पांचवें चरण में प्रयागराज में जाना है। यहां के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि ये जो गर्मी निकाल रहे थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, इनकी इस बार इलाहाबाद प्रयागराज के नौजवान वोट डाल करके गर्मी निकालने का काम करेंगे। वैसे तो पहले ही ये ठंडे हो चुके हैं, जनता ने जब से वोट दिया इनके खिलाफ, ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ चुके हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये वही नौजवान हैं जो अपने खेतों की भी रखवाली कर रहे हैं, और जब समय निकलता है इन्हें सुबह तो अपनी दौड़ लगा करके फौज की तैयारी भी करते थे। लेकिन नौजवान जानते हैं, ये गर्मी निकालने वाले ने, जो गर्मी निकालने वाले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पिछले 3 साल से फौज की नौकरी नहीं निकाली। 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली। जो नौजवान सुबह दौड़ दौड़ करके तैयारी करते थे, उनकी उम्र बढ़ गई, उम्र की सीमा के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, भर्ती के नाम पर उनके मुंह में ताले लगे हुए हैं, फौज की भर्ती के नाम पर ना केवल उनके मुंह में ताले हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो पदों पे मंत्री बैठे हैं, उन्होंने भी लोहे की चैन से लगा करके ताले लगाए हुए हैं। फौज की भर्ती नहीं हो रही है, ना फौज के जो बड़े बड़े भर्ती के आयोजन होते थे, 3 साल से रुका पड़ा है। उम्र बढ़ गई है, समाजवादी सरकार आएगी तो हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि फौज की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जो भी सहयोग करना पड़ेगा, हम अपने नौजवानों के लिए भर्ती खुलवाएंगे। न केवल भर्ती फौज में, बल्कि पुलिस में भी जितने भी पद खाली हैं, बड़े पैमाने पर भर्ती करके नौजवानों को वर्दी पहनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये नौजवान नौकरी करना चाहते हैं,
वर्दी पहन करके देश की सेवा करना चाहते हैं। इस सरकार ने न नौकरी दी और न इन नौजवानों को भर्ती दी है, न वर्दी दी है। पिछले 3 साल से इंतजार और 11 लाख पद खाली हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो भी पद अभी नहीं भरे गए हैं। बताओ, पद भरे गए हैं क्या? पद नहीं भरे गए, पद खाली हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, सरकार आएगी तो 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर मैं देख रहा हूं नौजवानों के हाथ में बड़े स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा मुख्यमंत्री आए हो चुपचाप बांट के चले गए हो? क्या ये बाबा मुख्यमंत्री के दिए हुए स्मार्टफोन है? वो तो कह रहे थे कि 1 करोड़ स्मार्टफोन दिए हैं। न केवल स्मार्टफोन की बात कर रहे थे, वो तो लैपटॉप बांटने की भी बात कर रहे थे। लैपटॉप बताओ, लैपटॉप मिला है किसी को? और बाबा मुख्यमंत्री देते भी क्यों आपको? वो तो खुद ही चलाना नहीं जानते। और इधर आपने उनकी एक तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर, वो खुद पश्चिम देख रहे हैं और जनता पूरब देख रही है। बताओ, तस्वीर देखी कि नहीं देखी? इससे पता लग रहा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। और एक और उनके नेता हैं जो बहुत बड़े नेता हैं, वो डोर टू डोर जब प्रचार कर रहे थे उस समय थूक लगा करके पर्चा दे रहे थे। अभी उन्होंने जो लैपटॉप पे बयान दिया है उस बयान को सुनकर के जनता लोटपोट हो रही है। उन्होंने कहा कि जो 12वीं के बाद इंटर पास कर लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि इंटर पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन ले लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। बताओ, लैपटॉप नहीं दिया, स्मार्टफोन नहीं दिया। और ये इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि न केवल ये चलाना नहीं जानते बल्कि आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ है उसके महत्व को भी नहीं समझते हैं। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण सुने, इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और आश्चर्य करने की बात तो ये है कि जो बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता है वो अपने से छोटे को झूठ बोल रहा है, जो छोटा नेता है वो अपने से छोटे नेता को झूठ बता रहा है, जो सबसे छोटा नेता है वो कार्यकर्ताओं को झूठ बता रहा है। बताओ, झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये मैं भाषण सुन रहा था उनके बड़े नेताओं के, उनके महंगाई पर कोई बात नहीं कह रहे, महंगाई पर उनके मुंह में ताले लग गए हैं। जो डीजल पेट्रोल महंगा है जनता सवाल पूछ रही है, तो वो दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं, दूर दूर से अब महंगाई को लेकर के जनता के पास नहीं जा रहे हैं। बताओ, महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले तो
ये कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, ये कहा था कि नहीं कहा था? और जब से सरकार में आए हैं डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी इन्होंने, आज हमारे गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? जो हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठा रहे थे उन्होंने देश के सब हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, और जहां रेलगाड़ी थी रेलगाड़ी बिक रही हैं, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन भी बेच रहे हैं। और वो इसलिए बेच रहे हैं, आपने वो पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो ना नौकरी देनी पड़ेगी और ना आरक्षण देना पड़ेगा। बताओ इसीलिए बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? कि नौकरी ना देनी पड़ जाए, आरक्षण ना देना पड़ जाए। ये कह रहे हैं कि हम पिछड़ों का बहुत सम्मान करते हैं, दलितों का बहुत सम्मान करते हैं। बताओ हमारे नौजवानों, आप पढ़े लिखे हो, जो आईएएस बनाए गए हैं बिना परीक्षा वाले, बताओ उसमें से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों में से कितने बने हैं? जो बड़े पदों पर बैठा दिए गए वो बताओ आपके बीच से कोई बना हो तो बता दो, कोई पिछड़ा बना हो बता दो, कोई अल्पसंख्यक बना हो तो बता दो, कोई दलित बना हो तो बता दो। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पता कर लेना आप, जो 22 चांसलर बन रहे हैं वो भी आपके बीच में नहीं बन रहे हैं, आपके बीच के नहीं हैं वो लोग। और जो दिल्ली सरकार कर रही है वही उत्तर प्रदेश की सरकार करना जा रही है, बताओ उत्तर प्रदेश की भी सरकार करेगी तो आपको परीक्षा और आपको जो आईएएस देखने का सपना, पीसीएस देखने का सपना भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म कर देंगे। ये बड़ा आरोप लगाते हैं, समाजवादियों पे बहुत आरोप लगाते हैं ये दिल्ली वाले बड़े बड़े नेता कि इनकी सरकार बनती है तो कुछ ही लोगों को फायदा होता है। हम समाजवादी पार्टी के लोग कह के जा रहे हैं, अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं, गंगा को और संगम को देखते आ रहे हैं, इन्होंने तो माँ गंगा को साफ करने की बात कही थी, माँ गंगा को नहीं साफ किया, आज भी माँ गंगा वैसी है जैसी पहले थी। और बताओ माँ गंगा ने वो लाशें वापस कर दी थी कि नहीं कर दी थी? क्या वो बातें भूल जाओगे? यहां हजारों लाशें बह रही थी माँ गंगा में। मैं यहां प्रयागराज में आया हूं और प्रयागराज की पवित्र धरती है, ये आध्यात्म की धरती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार जब बनेगी तो 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए करेंगे कि हमारे और आपके बीच में कोई भेदभाव ना हो, जातियों को गिन करके आबादी के हिसाब से उनको हक सम्मान मिल जाए, सबको स्थान मिले, सबको सम्मान मिले, यही समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में करने जा रहे हैं। इधर मैं देख रहा हूं बड़ा अच्छा नारा लगाया है, मठाधीश तुम मठ में जाओ,
मठाधीश तुम मठ में जाओ, लगता है उन्होंने पहले ही लखनऊ से गोरखपुर की टिकट बुक कर ली हवाई जहाज की। इधर वो हमसे कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, ये 12 बजे उठने की बात कही, तब से हमने भी उनके नजर घर पर नजर रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठ जाते हैं, पता नहीं बाबा मुख्यमंत्री कहां से देखते हैं ये सब चीजें। और जब से उन्होंने ये कहा तब से हमने भी उनके घर पर नजर रख दी है। और आजकल मैं देख के पुताई वाले लोग मुख्यमंत्री आवास में जा रहे थे, हमने जानकारी करवाई ये क्यों जा रहे हैं पुताई वाले, तो पता लगा कि धुएं के दाग को मिटाने के लिए पुताई वाले मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं। बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं।